की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान में विधान परिषद के स्थानीय चुनाव सीट के लिए हुए चुनाव में सिवान विधान परिषद सीट पर आखिरकार आरजेडी के प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर तमाम बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। वहीं पहली बार चुनावी रणक्षेत्र में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान ने दूसरे नंबर पर खुद को स्थापित कर सक्रिय राजनीति में बने रहने का आभास दे दिया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनकी पत्नी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हेना साहब, जिले के आरजेडी विधायक औद बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव, बच्चा पांडे और माले विधायक सत्यदेव राम, अमरजीत कुशवाहा तथा तमाम आरजेडी माले नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अपने उम्मीदवार विनोद जायसवाल की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार दिन रात जुटी रही। और इसका फायदा मिला कि विनोद जायसवाल ने बड़ी जीत हासिल की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने के साथ ही विनोद जायसवाल ने संपर्क करना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा भी उन्हें चुनाव में मिला। वहीं पूर्व में विधान परिषद रहे बीजेपी के मनोज कुमार सिंह का टिकट बहुत देर से घोषित होने का खामियाजा उम्मीदवार को उठाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई मंत्री और विधायक लगभग 15 दिन तक लगातार जिले में रहकर जनसंपर्क करते रहे, लेकिन एनडीए में टूट का असर भारी पड़ गया। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव सहित कई दिग्गज जेडीयू नेता निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के साथ शुरू से खुलकर साथ रहे। इसका फायदा रईस खान को मिला। भले ही रईस खान इस चुनाव में नहीं जीत सके, लेकिन बिहार की और देश की सबसे बड़ी पार्टी को इस चुनाव में तीन नंबर पर भेजने में सफल रहे। आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल पहले भी सिवान से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी के टुन्ना पांडे ने उन्हें नज़दीकी लड़ाई में हराया था, अब उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। विनोद जायसवाल काउंटिंग की शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे, हालांकि जीत के लिए आधा से एक ज्यादा वोट पहली पसंद के वोट में नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन द्वितीय पसंद की वोट के बाद बहुत आगे निकल गए। सिवान विधान परिषद सीट के लिए 4 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 4,642 जनप्रतिनिधियों में 4,617 जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया था। 7 अप्रैल को BMHE स्कूल में हुए मतगणना में 4,420 वोट सही पाए गए, जिसमें आरजेडी के विनोद जायसवाल को 2,032, निर्दलीय रईस खान को 1,366 वोट मिले। विनोद जायसवाल ने 666 वोट से विजय प्राप्त की। वहीं बीजेपी के मनोज सिंह को 1,149, कांग्रेस के अशोक सिंह को 217, संजय कुमार शाह को 7, अजय चौहान 35, मेनका रमन 12 और सैयद महमूद आलम को 12 वोट मिला। विनोद जायसवाल की जीत के बाद जिले के सभी 19 प्रखंडों में आरजेडी माले के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं विनोद जायसवाल ने इसे आरजेडी माले के एक एक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधियों का जीत बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और हेना साहब के कारण यह जीत संभव हो सका। आज इस MLC चुनाव की जीत को मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को समर्पित करता हूं। मैं इस जीत को अपनी मां को समर्पित करता हूं। इस जीत के लिए मैं मैडम हिना साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रभुनाथ सिंह जी का, अवध बिहारी चौधरी जी का, माननीय हरिशंकर यादव जी का, माननीय बच्चा पांडे जी का, माननीय अमर यादव जी का, माननीय अमरजीत कुशवाहा जी का,
माननीय सत्यदेव राम जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशाल कुमार, संजय कुमार, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को जो इन्होंने चुनाव के अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। पिंकू जायसवाल जी का, शिवशंकर यादव जी का, अनिल सिंह जी का, हिमांशु जायसवाल जी का, रविंदर राय जी का, उमेश यादव जी का, रेणु यादव जी का, तारकेश्वर यादव सीपीआई का एवं अन्य सभी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही माले के जितने भी पदाधिकारीगण, सीपीआई के जितने भी पदाधिकारीगण, तारकेश्वर यादव सीपीआई के मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी मतदाता बंधु, जिला पार्षद, मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं सिवान की सभी जनता, मीडिया प्रभारी, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इस चुनाव के दरमियान प्रशासन का काफ़ी निष्पक्ष चुनाव कराने में योगदान रहा। और सभी मीडिया बंधु ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, सभी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी दिन रात एक करके इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी को तीसरे नंबर पर ढकेला। कितने वोट से सर आपकी जीत हुई है? करीब 700 वोट से। क्या मुद्रा है आप जीत का सर? कितने हैं, किसे दे रहे हैं आप? कितना वोट आपको मिला है? 2100 के आसपास वोट मिला है। सिवान ने अमन चैन शांति को पसंद किया, सिवान के प्रतिनिधि ने विकास को पसंद किया और मैं जो वादा किया हूँ, मैं अपने संकल्प में, अपने मैनिफेस्टो में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितने भी संकल्प दिया गया है मैनिफेस्टो में मैं उसको पूरा करूँगा। देखिए, मैं एक बात बोला आपको कि मैं जो भी संकल्प लिया हूँ, संकल्प पत्र में दिया हुआ है कि फैक्ट्री लगाऊंगा, हर एक ब्लॉक में विश्राम गृह बनाऊंगा, जो मैं वादा किया हूँ मैं वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर मैं काफी हद तक उस लागू कर दूंगा। प्राथमिकता इस काम में जो आप काम गिना रहे हैं, इस काम में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहे? मैं हर एक पंचायत का समीक्षा कराऊंगा, मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा जो पूरे जिले का प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं उसको चरणबद्ध तरीके से अंजाम कर दूं। बीजेपी का बुलडोजर नहीं चला? सिवान का देश में बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं जिस ढंग से वो देश को चला रहे हैं, मीडिया कर्मी अगर सही ढंग से उसका निगेटिव पार्ट को हाईलाइट करे तो बीजेपी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आज मैं कल पेपर में पढ़ रहा था कि 128 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है इंडिया में। 5-7 साल में कर्ज का रेशियो जो बढ़ा है जस्ट डबल हो गया है, 65 लाख करोड़ से 123 लाख करोड़। मतलब जो हाल इन्होंने देश का किया है,
इकोनॉमिकल, वो बहुत चिंताजनक बात है और देश के इकोनॉमिक्स को काफी पीछे ढकेल रहे हैं। बिहार सरकार को सिवान से संदेश दिया गया है कि महागठबंधन बहुत ही मजबूती से सिवान में मौजूद है, ये तो साफ संकेत जाता है, इसमें बोलने के लिए कुछ तो है नहीं। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों के साथ जनप्रतिनिधियों ने आपको वोट देकर के जिताने का काम किया है? मैं बताया ना कि शांति चाहती है सिवान की जनता, इसीलिए हमको पसंद की है। विनोद जायसवाल MLC बन गए हैं, लगातार सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और अकारण पंचायत सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो इस ऐसे में विनोद जायसवाल का अगला कदम क्या होगा? मैं पहले भी बताया हूं कि मैं उनके जितने भी अधिकार में कटौती की गई है, पेंशन के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे लड़ाई करने का तरीका पता है कि किस ढंग से सदन में बात को उठाना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मैं अच्छी तरीका से इस काम को करना जानता हूँ। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।